सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग रूटीन। अभी टाइम हो रहा है 5:30, मुझे भी वैसे नहीं दिखा, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी से स्टार्ट होता है मेरा इवनिंग ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुका है, बट मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट किया, वहाँ पे आप योगा मैट वगैरह देख सकते हैं। तो प्रेगनेंसी योगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो, इससे पहले वाला वीडियो है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो पहले तो रूम का एसी ऑफ, एक लाइट्स ऑफ, फैन ऑफ। जाओ तनु, तुमको बुला रही है मम्मी, तनु भी मेरे लिए साथ थी। यहाँ का लाइट्स ऑफ। चलो अब कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, लाइक लेमन वाटर या फिर मिल्क, और चलते हैं छत पे विद मिस्टर तनुज। जोरों शोरों से काम हो रहा है घर में, इधर रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग हो रही है घर में, रेफ्रिजरेटर क्लीन। ओके, तो यस, यहाँ पे अभी मेरे पास ट्राइपॉड आ चुका है, तो यू नो आई एम फीलिंग गुड। ले लेते हैं यार, आज ढेर सारा है घर पे। ओह माय गॉड, बहुत गर्म है, तो हम लोग इसमें मिट्टी के बर्तन में ही मिल्क गर्म करते हैं। आई एम श्योर आपको पहले भी पता होगा, तो चलो फटाफट से एक ग्लास मिल्क। दैट इज डन बाय अनु। अनु फ्रिज क्लीन कर रही है, तोड़ रही है, क्या क्लीन कर रही है अनु। अच्छा, तो जबरदस्ती से साफ कराया जा रहा है। देखो देखो गाइस, ये लड़की का जबरदस्ती उससे फ्रिज साफ कराया जा रहा है। और मुझे लेना है यहाँ पे हॉर्लिक्स, आज लेके आई है मदर प्लस। अरे ओ, खुल जा हॉर्लिक्स, तो खुल क्यों नहीं रहा है रे, डब्बा बहुत सारा है घर में, इसीलिए मम्मी ये वाला लेके आई है। देखो जब आदमी को लेजी लगे ना, तो एक निंजा उपाय, और इसमें डाल दो, सी सो इजी, देखा ना आपने कितना इजी हो जाता है। और डब्बा फेंक दो, इसको इधर रख दो, बाद में मम्मी डाल देगी। तो एक्चुअली अभी नींबू पानी पीना इज मच बेटर, लेकिन चलो मैंने सोचा नींबू पी लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ मेरा टैलेंट, इतना जल्दी मैं मिल्क पी सकती हूँ, ठीक है ना गाइस। सॉरी, कोई तो गाली दे रहा है। बट ऐसे करके नहीं पीना है, धीरे धीरे पीना गाइस, तो मुझे आराम से पीने दो मिल्क। अब थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, ग्लासेस एम्प्टी ना। अब चलो चलते हैं छत पे, तो बस आ चुके हैं छत पे। छत पे अभी थोड़ा सा पहले मैं बैठ जाती हूँ, बिकॉज सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आना ना बहुत प्रॉब्लम है। और इधर आपको पूरा अभी क्लीन दिख रहा होगा, ये वाला छत, ये साइड, ये पार्ट ऑफ द छत, बिकॉज इधर मम्मी क्लीन करवा ली है, क्योंकि मैं वॉक वगैरह करती हूँ बाहर, नॉर्मली मैं जा नहीं सकती हूँ, किसके साथ जाऊँ यार, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता मुझे अकेले जाना, और कभी अभी रहता है तो मैं चले जाती हूँ, या फिर वो भी इधर उधर ही रहता है। और इधर सारा फ्लावर्स, सब सारा चीज़ हम लोगों ने इधर ही डाल दिया है, और वो वाला छत पूरा कम्प्लीटली क्लीन है। तो चलिए थोड़ी देर पहले मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद अपना वॉक स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ अभी जस्ट आई हूँ नीचे से ऊपर ना, तो इमीडिएटली अभी कुछ भी नहीं हो पाता है, थोड़ा देर रेस्ट एंड देन वॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वॉक।
और ये देखो मैं कर रही थी वॉक, सारे फ्लास्क में भी पानी दे दिया, और इधर देखो कौन आया, ये शैतान बच्चा पीकू, पैर में लगेगा बेटा, अभी जस्ट वो सो के उठी है। ओके एक्सरसाइज कर रहा है पीकू, कम ऑन। क्या हुआ क्या हुआ पीकू, कम ऑन, चलो चलो वॉक करते हैं। सारे फ्लास्क में मैंने पानी भी डाल दिया। हाँ बेटा क्या, ओ छिछी तो कुछ नहीं कर सकते पीकू, छत पे छिछी लगेगा, मतलब छत पे जो डस्ट वगैरह है ना उसको वो छिछी बोलती है, अगर उसके पैर में कुछ लग जाए ना तब तो हो गया, बुआ छिछी जल्दी सफा करो, मतलब वो थोड़ा भी छिछी के साथ नहीं रह सकती है। अब मैं उसे कितना सफा करूँ यार, छत पे ऑलरेडी बहुत सारा डस्ट वगैरह तो उड़ते रहता है। और इधर देखो तनुज क्या कर रहा है, इसको काटने वाला है, तुम लेके बैठा है कट्टा, हाँ हाँ मिस्टर तनुज। चलो मैं अपना वॉक फिर से कंटिन्यू कर लेती हूँ, यार बीच में गैप हो गया था बिकॉज मैं पानी वगैरह डाल रही थी ना, इसीलिए लेट्स कंटिन्यू अगेन। सो गाइस छत पे वॉक करने के बाद डायरेक्ट हाथ पैर धो के मैं आ चुकी हूँ मंदिर में अपना शाम वाला पूजा करने के लिए, तो शाम वाला पूजा करने का भी मेरा ही ड्यूटी लगा रहता है। अच्छा यार ऐसे एटलीस्ट मैं स्टेप्स अप एंड डाउन कर लेती हूँ, दुकान वुकान में जाना होता है सब जगह, यू नो घूम घूम के पूजा करना होता है, तो चलिए पूजा कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे चाय पे। पूजा करने के बाद मेरा पसीना का कंडीशन कुछ इस तरह है, तो चाय पीने से पहले नॉर्मली मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लूँ तो अच्छा रहेगा बिकॉज हेल्दी रहेगा, वैसे चाय पीना नहीं चाहिए बट क्या कर सकते यार, थोड़ा सा यू नो हैबिट ख़राब है मेरा इसीलिए मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन अगर आप लोग अवॉइड कर सकते हो चाय, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो अवॉइड करो, बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट 3 मंथ्स तो मैं चाय का स्मेल भी बेयर नहीं कर सकती थी, मतलब चाय बनने से ही मुझे इतना नफरत लगता था, बट अभी फिर से मेरा हैबिट हो गया चाय पीना, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो पहले ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं उसके बाद चाय पियेंगे। ये रहा मेरा और अनु का चाय बिस्किट। पीकू क्यों तुम रो रही है, शाम का चाय बिस्किट विद सम चना चूर एंड बिस्किट, नहीं तुम चाय नहीं पीने वाली है, ये मेरा है। और चाय पीने के बाद एक्चुअली बहुत देर बाद मैं खा रही हूँ, तो रसगुल्ले है, दही एंड बुनिया, आई डोंट नो बुनिया किसी को मालूम होगा ना नहीं, बट लड्डू जो बनता है ना वो उसी का मटेरियल है आई मीन। तो ये वाइट वाला रसगुल्ला भी खाना बहुत ही हेल्दी होता है, छेना इसे बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर भी ये सजेस्ट करती है आप खाओ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मम्मी लेके आ जाती है जब जब ख़त्म होता है। वैसे मेरे घर में रसगुल्ला ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, मतलब 1 से 2 दिन में 20-30 पीसेस ख़त्म हो जाता है। दही एंड बुनिया का कॉम्बिनेशन वाह बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर करना, बहुत टेस्टी होता है। और फाइनली अभी है अपना डिनर टाइम, और डिनर में आज मुझे खाने का मन था आलू के पराठे, तो बस वही बना है, इट इज हियर, तो मुझे लेना है पहले एक ही लेती हूँ यार, एक लू या दो ले लेती हूँ, चलो 2 आलू के पराठे एंड टोमेटो सॉस, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली पीकू डिस्टर्ब कर रही है मम्मी को क्योंकि वो गेट खोल देती है हमेशा और एसी ऑन रहता है, इसलिए मम्मी चिल्ला रही है पीकू पीकू गेट बंद करो गेट बंद करो। तो चलिए अपना यम्मी सा डिनर कर लेते हैं, अगर पीकू के लैंग्वेज में बोले तो नम्मी सा डिनर कर लेते हैं, वो यम्मी को नम्मी बोलती है, तो चलिए नम्मी सा डिनर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना डिनर, आज मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रही हूँ बहुत दिन बाद, अच्छा वेरी टेस्टी। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है क्योंकि बहुत स्टफिंग वाला मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा जो स्टफिंग डाल देते हैं ना, तो अनु को मैंने बोला था मेरे लिए बस बिल्कुल थोड़ा सा आलू डालना अंदर में ऐसे, अच्छा यार बट बहुत टेस्टी है। तो बस खा के हो चुका है मेरा, और खाने के बाद मैं ब्रश करती हूँ, ऑब्वियसली ये आई एम श्योर सबको ही करते होंगे, और ब्रश करते करते मैं यू नो वहाँ से हाथ तक एक 2-4-5 राउंड भी ले लेती हूँ बिकॉज
खाने के बाद थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्यों इमिडिएटली सोना नहीं चाहिए। एक तो मेरा ये गलती हो जाता है, मैं बहुत लेट खाती हूँ, बट अभी बहुत लेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा जल्दी खाना चाहिए सो दैट यू नो वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, बट ऐसा मैं नहीं करती हूँ पता नहीं क्यों। तो इसीलिए खाने से खाने के बाद मैं ब्रश करते टाइम थोड़ा सा वॉक कर देती हूँ सो दैट यू नो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाए खाना मेरा। और जो आखिरी काम बचता है इवनिंग रूटीन का मेरा, वो है ग्लास ऑफ मिल्क विद केसर एंड मदर हॉर्लिक्स। रात में मैं केसर वाला दूध ही पीती हूँ, वैसे दिन में भी कभी कभी पी लेती हूँ, इट डिपेंड्स मेरे मूड पे, बिकॉज मुझे केसर पसंद ही नहीं है। तो बस यही अभी मैं ले जा रही हूँ मिल्क और बस यही पी लूँगी, एंड आफ्टर दैट दवाई जो भी है डॉक्टर जो भी देती है ना फॉलिक एसिड वगैरह कैल्शियम वगैरह का टैबलेट वो ले लेना है एंड दैट्स इट, उसके बाद बस सो जाना है। सो गाइज यही था मेरा इवनिंग रूटीन, आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को पसंद आया हो। वैसे इवनिंग में मैं घूमने उमने भी जाती हूँ, बट आज अभी अभी कि आपको नहीं दिख रहा होगा घर में बिकॉज वो लोग गए हैं किसी पार्टी में, इसीलिए आज मैं जा भी नहीं पाई। एंड बाय द वे वो एप्पल है इतना सारा, तो इसलिए आज मैं बाहर नहीं गई, डब पानी वगैरह आज मैं नहीं पी पाई बिकॉज अभी नहीं था, इसीलिए हम लोग बाहर ही नहीं जा पाए। तो चलिए गाइस मैंने अपना इवनिंग रूटीन आपसे शेयर किया, अब मुझे क्या इसमें इंप्लीमेंट करना है क्या नहीं करना हो तो आपको आपके कमेंट के बाद ही मुझे पता चलेगा। सो टिल देन बाय गाइस, हर हर महादेव एंड टेक केयर ऑफ यू लव्ड वंस, बाय गाइस।